श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक समाज में श्वेतांबर जैन युवक मंडल जालंधर के डीएवी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित श्वेतांबर प्रीमियर लीग की ओर से फाइनल नाइट टूर्नामेंट करवाया गया, जिसमें फाइनल मुकाबला एसकेएम पैंथर और आरएस आर्मी की टीमों के दरमियान हुआ। एसकेएम पैंथर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवरों में 126 रन का मुश्किल लक्ष्य अपने प्रतिद्वंदी टीम को दिया और आरएस आर्मी ने बल्लेबाजी करते हुए 127 रन बनाकर एसकेएम पैंथर्स की टीम को हराकर श्वेतांबर प्रीमियर लीग 2019 का खिताब अपने नाम कर लिया। इस टूर्नामेंट में श्री अश्विनी जैन, सुमित जैन और बीजेपी पंजाब के महासचिव राकेश राठौर अपने परिवार सहित मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। और बहुत बधाई देती हूँ श्वेतांबर जैन युवक मंडल जालंधर को, जिन्होंने आज ये इतना भव्य समागम यहाँ पर किया है और पिछले एक हफ्ते से इतने क्रिएटिव एक्टिविटीज़ यहाँ पर चल रही हैं, सारा समाज इकट्ठा हुआ है, ऐसा मौका इन्होंने हम सबको आज यहाँ पर दिया है। और सभी टीम्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने एक हफ्ते से बहुत अपनी मेहनत करके हमारा इतना एंटरटेनमेंट भी किया है और आई एम श्योर इससे जैन समाज में हेल्थ, वेल्थ और एंटरटेनमेंट सब कुछ बढ़ा है। थैंक यू सो मच। श्वेतांबर जैन युवक मंडल द्वारा ये जो रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है, आज उसका फाइनल दिवस है। आज की प्रतियोगिता जो फाइनल मैच खेल रहे हैं उसमें मुख्यतः दो टीमें, जिसमें एसकेएम पैंथर और आरएस आर्मी के बीच में अभी मुकाबला चालू है। एसकेएम पैंथर अपनी पारी पूरी कर चुके हैं और आरएस आर्मी उस टारगेट को पूरा करने के लिए उतर चुकी है। निश्चित रूप से ये प्रतियोगिता देखने लायक है। धन्यवाद। जालंधर से विनोद कुमार की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़।